हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। टाइम हो गया जी 10:44, 10:45 का टाइम। हुण असीं चले आ जी लाउण जिम। जिम हैगा जी 24/7 ਆ ਭਾਜੀ, 7/24 7 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬਾਈਸੈਪ ਡੋਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 10:44, 10:45 ਦਾ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ। ਆਹ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਾਉਣ ਜਿੰਮ। ਜਿਮ ਹੈਗਾ ਜੀ 24/7 ਆ ਭਾਜੀ, 7/24 7 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਹੁਰੀ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੇਟ, ਇਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਟ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਮ, ਅਤੇ ਦਿਨੇ ਅੱਜ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬਾਈਸੈਪ ਡੋਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲੈਗ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਲੰਡਨ UK ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਇਹ ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਬੋਲਾ? ਚੈਪਲ ਟਾਊਨ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਚੈਪਲ ਟਾਊਨ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਿਟੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਮ, ਬਸ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਰੇ ਜਾਣ ਡੇ ਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜੀ, 11:15 ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹਜੇ ਵੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਵਾਰਮ ਅਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਦੀ ਆ। ਕਰੇ ਜਾਣ ਡੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਮ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਫਲਾਈਟ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰੂਗੀ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਭਾਈ ਨੇੜੇ ਉਹ ਹੈਗਾ।
आदा बंद हो जाते हैं इतने कोड ने तुम दिखा आ जरा इतने लगा हुआ तुम देखते पे कोड आ ये तो कोड पा गए तो तुम जो मर्जी आ सकते हो क्योंकि 24 घंटे 7 दिन खुला है जिम बहुत वधिया है इतने फिर पाना पैना है। हाँ जी आ गया भाई जी दरवाजा नहीं खोल रहा थैंक यू बहुत बहुत मेहरबानी तुम सानू रिसीव करना आए हो हाँ जी एक होर दिन जिम का जी चले हाँ भाई जी मेहनत मारन चले हाँ जिम देखते हैं की बनता जाके तैयारी तो अज बड़ी खिंची है चेस्ट अज लावांगे चेस्ट ते शोल्डर साडे जिम जाते जाते रस्ते वोल्वो वाले का शोरूम है तो ये तुम देख सकते हैं सारिया जिन्या भी गड्डिया सारिया सैकेंड हैंड आ तो लगदिया नहीं इन्नी ज्यादा मेंटेनेंस वधिया है इन्हों की जिदा कंपनी हायर करके फिर इन्हों अपना जो भी होंगे रिपेयर वगैरह करके जो मेंटेनेंस इन्हों की होंगी करके इन्हों फिर सेल से ला देंगे ने इतने मेरी सब तो बेस्ट गड्डी है ये अज तक की जो महाराज ने कृपा की यही लवेंगे वर्ल्ड की सब तो सेफेस्ट मनी गई अज तक वोल्वो जिहड़ियां तुसीं गड्डियां देख रहे हैं हाँ जी स्ट्रोंग भाजी पता लगेगा हजे तो देखी जाओ बनता की है हजे तो तुम थोड़ी पीती है जो तो सारी पी ली ना ये ड्रिंक तो सारा वेट ला लेना भाई जी होर प्री वर्कआउट दवाया इतों यूके तो इन्होंने पहलों कभी पीता नहीं है ये फस्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो जिनी डोज उत्ते लिखी है वो तो काफ़ी घट इन्होंने कहा पीन ना हसी जाते ना पी जाते चलो जी ठीक है मिलते जिम के जाके अब हार्ड ट्रेनिंग आ दो मसल लाने जिम भी बहुत सोहना तो बहुत वधिया जिम आ सानू दिखाने की कोशिश करांगे चलो ठीक है मिलते जिम च
लो जी मित्रों एक्सरसाइज गई अलग तैयार हो रही हूँ चले ने घर न इदा सिस्टम होंगे इतने पहला एक साइड खुलता है फिर वह बंद हों फिर दूसरी साइड खुलता है फिर बंदा आता बाहर ये ता कर गया क्योंकि जोड़ा ये हैगा आ चौबी घंटे खुलिया हों जो मर्जी तुम आके एक्सरसाइज ला सकते हो तुम बस अपना पिन एंटर करना जो ते पिन है पिन भी देंगे ने तो क्यू आर कोड भी होंगे उन्होंने स्कैन करके तुम एंटर कर सकते हैं 24/7 आ जिम बहुत वधिया जिम है अभी तो हूँ चलें जी ला के एक्सरसाइज क्यों भाजी कि फिर भाई ने पहले दिन प्री वर्कआउट खाधा आ दो घंटे 10 मिनट एक्सरसाइज लाई है पता नहीं लगा हाँ बहुत वधिया चीज भाई जिनी रेकमेंड होंगी उन्ना खाओ तो वधिया रहा है ओवरडोज लेना गलत होंगी कोई भी चीज़ है चाहे वह रोटी है चाहे सप्लीमेंट है चाहे कुछ भी है जिनी रेकमेंड होंगी चीज उन्नी ही छोटी मोटी एक्सरसाइज लाई हाँ। दो मसल लाया चेस्ट शोल्डर प्रॉपर एक्सरसाइज लाई है नज़ारे आ गया धन धन हो गई